गुड 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 मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19 जून सैटरडे और मैं हूं अपने घर पे। आज छुट्टी है लेकिन आज काम बहुत सारे हैं, घर के हैं, मार्केट के हैं, तो आज का दिन बिजी रहने वाला है। वीडियो भी बनानी है, अपलोड भी करनी है, बहुत काम है बहुत। तो चलिए करते हैं इस नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। चलिए गुड मॉर्निंग पापा। बहुत काम है। क्या हो गया? अगर 14 सेक्टर चलना है तो पहले गाड़ी साफ करनी है। चलना है। और ऊपर पौधों में पानी नहीं डाला, 2 दिन हो गए पानी डाल के आने। और एक नीली बेल के फूल है वो भी लगा के आने। अभी लगा देते हैं। आप भी कोई काम हो आप भी बता दो, आपके तो इतने सारे काम है। मेरे नहीं है ये काम, आपकी है। मैं कहीं इनके पास भी 2-4 कामों की लिस्ट हो। बड़ा काम कर करके पत्थर हो गया। काम करना नहीं, सारे काम करता हूँ अभी। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो मैंने ना किया हो घर का। क्या भूल गई? क्या बना रही थी? बच गई ना, बस बढ़िया। वीडियो के चक्कर में भूल जाती हूँ, उनको ध्यान नहीं रहता। तू तंग इतना करता है इसलिए भूल जाती हूँ। तो अब हम शुरू कर रहे हैं घर के काम। चलिए यहाँ भी छिपकली थी, मार तो नहीं दिया आपने? ये है बीज, ऊपर छील लूँगा, छीलने ना ये छील के इसमें से ये निकालने हैं बीज। कर लेगा? तो बहुत टाइम लगा देगा काम में। तो जितना टाइम लगेगा उतना तो लगाऊंगा ही, मैं छील लूँगा। दे दो, देखाऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं देता हूं आपको मौसम की जानकारी। धूप एकदम कड़कती हुई निकली हुई है मगर हवा में थोड़ी सी ठंडक है, जैसे कि कहीं दूर बारिश हुई हो। और वेदर जो है बिल्कुल क्लियर है, दूर दूर तक की बिल्डिंग सारी नजर आ रही हैं क्लियरली। तो आज इसमें हमने उगाने हैं नए फूल। तो जैसा कि मम्मी ने कहा था कि पर्पल फूल वाली बेल लगानी है, तो मैंने इस गमले में बीज तो डाल दिए हैं, साथ में खाद भी डाल दी है। अब इसमें पानी डाल दें तो यहाँ का काम हो गया है ख़त्म। अब जाते हैं नीचे। अब पौधों का काम तो हो गया है कंप्लीट, अब करते हैं गाड़ी को साफ। तो मैंने सुबह के सारे काम निपटा दिए हैं, अब मैं जा रहा हूँ नहाने क्योंकि मैंने फिर जाना है मार्केट में। मम्मी मैं रेडी हो गया, क्या बनाया आज? आज हेल्दी खाना है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं सदर बाजार पार्ट 2 भी बनाऊंगा, तो आज मैंने सोचा कि मैं चला ही जाता हूँ, थोड़ा काम भी है वो भी निपटा लेंगे एंड सदर बाजार पार्ट 2 भी बन जाएगा। तो मैं जाने वाला हूँ ट्रंक मार्केट जो कि है सदर बाजार में। तो चलिए मोटर व्लॉगिंग का आनंद उठाइए। अभी मैं आया हूँ बैंक, एक काम है मेरे को छोटा सा, फिर निकलते हैं सदर बाजार की तरफ। तो बैंक का काम निपट चुका है, अब हम जा रहे हैं सदर बाजार। भाव क्या हाल है? बहुत ही नमस्ते, क्या हाल है? कैसे चल रहा है आपके चैनल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ट्रंक मार्केट की आपकी सर्वे, ट्रंक मार्केट का सर्वे आज आज पूरी ट्रंक मार्केट दिखाएंगे। ऐसे ऐसे वॉक करते करते ट्रंक मार्केट में यूं चले जाओ, सबके मास्क ऊपर होते हैं। अच्छा मान लोग अंदर रखने शुरू कर देंगे आगे। तो बता ना कहाँ से आया तू, मुझे कब से कहाँ से आया तू, उसे पता मुझे कह तो मुझे रहा तू देने वाले। सुनो 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 सुनो, गर्म होकर मेरे को जवाब मत दिया करो, सुनो मेरी बात। चेक ले रहे हो, फ्री में माल ले रहा, पैसे दे रहा हूँ आपको। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बोला था डिटेल देने के लिए, तो मनी है बस के धंधे छोड़ दो, नहीं है बस के धंधे छोड़ दो, फिर दिखाता जरा फ्री में। हाँ ढंग से बात किया, डिटेल दे दो मेरे को। घर का सेठ होगा वो, यहाँ के हम सेठ हैं।
समझा बदतमीज आदमी। नहीं लेते पैसे लेने आ रहे हो, डिटेल नहीं लेके आओ मेरे पास, फिर देख लो कैसे। नहीं पैसे लेने आ रहे हैं यार, पर्ची तो ले गए, किस चीज के पैसे हैं क्या है? तो पीछे पड़े जाते हैं, रख लो दिख जाएगा तब दे देना, रख लो दिख जाएगा। देखो एक तमीज रहनी चाहिए, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ, आप सुनते हैं कैसे बोल कैसे रहे हैं। एक और लिया, मैं कह दूँ धक्के अभी तरबूज खा के आया हूँ। तो हम है ट्रंक मार्केट में और मैं आया हूँ सलूजा एंटरप्राइजेस पे। क्या हाल है बाबा? मस्त जी, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है, काम काज बढ़िया, ग्राहक ग्रुप आ रहे हैं वो तो दिख रहे हैं, लड़ाई लड़ूई सब चल रही है। मेरा नाम श्री सलूजा है। हमने हाउसकीपिंग आइटम, क्लीनिंग आइटम, डिस्पोजेबल आइटम, पैकिंग आइटम टोटल होलसेल रेट पे मिलता है हमारे यहाँ पर सामान। केमिकल्स हमारी खुद की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग है, ए टू जेड टोटल सप्लाई का काम है। मास्क रखे हुए हैं, सैनिटाइजर रखे हुए हैं। इसका नाम धर्मवीर है और वीरू। ये तो शुरू से ही आपके साथ हैं? हाँ, ये शुरू से हमारे साथ हैं, पूरी दुकान संभालते हैं, गोदाम संभालते हैं। तो कोविड में खोली थी आपने, मास्क वगैरह सैनिटाइजर वगैरह रखे हुए हैं, सारी चीजें रखी हुई। आपका तो फुल टाइम होगा, 12 बजे तक था पहले, फिर 3 बजे तक रहा, फिर 6 बजे तक रहा, अब 8 बजे तक है। तो अब काम थोड़ा ज्यादा अच्छा है या कोविड के टाइम पे था आपका? पहले 12 बजे तक काम हो जाता था सही, फिर 3 बजे तक काम होता था सही, फिर 6 बजे तक हो जाता था, अब 8 बजे तक काम होता है भाई। काम उतना ही है, काम उतना ही है, टाइमिंग के हिसाब से बढ़ गया। मार्केट सारी खुल गई, ऑडिमेंट खत्म हो गया, कस्टमर डिवाइड हो चुका सारा। कितने सालों से आपकी ये दुकान? 15 सालों से। अच्छा, ये ट्रंक मार्केट क्यों कहते हैं आप? यहाँ पहले पहले ट्रंकों की दुकानें थी सारी। अच्छा, बक्से बनते थे। अच्छा, धीरे धीरे अभी भी बनते हैं। अच्छा, अब 3-4 दुकानें रह गई हैं, धीरे धीरे सब चेंज हो गई। अब तो सारी चीजों की दुकानें हैं, अब हर चीज की दुकान है, ग्रोसरी की, किराने की, डिस्पोजेबल आइटम की, नमकीन की, बिस्कुट की, सब की। चलो चलता हूँ मैं, ओके बाबा, बाय, ओके मौसा जी। तो ये है ट्रंक मार्केट। जैसे कि मौसा जी ने बताया कि पहले यहाँ ट्रंक बनते होते थे, अब बहुत ही कम दुकानें हैं ट्रंक बनने की। बाकी आपको हर चीज़ ज़्यादा मिल जाएगी, बस ट्रंक कम है। देखिए जैसे ये है, पिछले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था दूसरी साइड का, आज आपको ट्रंक मार्केट का भ्रमण करा रहा हूँ। ये आवाज़ ट्रंक बनने की ही है। इस साइड है सब्जी मंडी, यहाँ अचार, मुरब्बे, सब्जियाँ, फल फ्रूट सब मिलेगा। और यहाँ सामने है मस्जिद, ¡Gracias!
मैंने आपको दिखाई सब्जी मंडी और ये है मेन रोड सदर की। यहाँ पे भी आपको एक भ्रमण करवा देता हूँ मैं। ये सामने जाती है बसई रोड, यहाँ है श्याम स्वीट्स, ये नेशनल स्टोर, जय प्रकाश ज्वेलर्स, श्री राम ज्वेलर्स, गिरिराज ज्वेलर्स, सारे ज्वेलर्स हैं यहाँ पर, जेवर महल। आसपास के जो गांव के लोग होते हैं वो यहाँ पे अपनी शादियों की शॉपिंग करने आते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाता है शादी का, कपड़ों की दुकानें, ज्वेलरीज। अभी रश इतना हुआ नहीं है, एक टाइम पे होता था अंधा रश, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, अभी तो अंदर ऑटो तक घूम रहा है। देखिए पतंगे लेके जा रही है, ये देखिए बॉम्बे ज्वेलर्स, आभूषण मंदिर, ₹200 में चप्पलें मिल रही हैं, सेल लगती रहती है यहाँ पे। राजा ज्वेलर्स, यहाँ पे कपड़ों की दुकानें बहुत सारी हैं। दीप माला सारी, ये देखें हर एक चीज की दुकान मिलेगी, अप्लायंसेस हो गए, आपके बैग्स हो गए, कपड़ों की, फुटवेयर की, ज्वेलरी की, खाने पीने की, रेवाड़ी की। यहाँ तो पिछली बार ही मैंने दिखाया भी था आपको सरदार जलेबी वाले, यहाँ पे आ जाते हैं आपके बुक स्टॉप और यहाँ पे आपके बुक्स की शॉप सारी, जैसे मंगला बुक डिपो हो गया और स्कूलों की जो यूनिफॉर्म होती है वो भी यहाँ पे मिल जाती है, ये मंगला पुस्तक भंडार। और ये है गुड़गांव का सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस, सियालकोटी वैष्णो ढाबा, बहुत बढ़िया खाना होता है सियालकोटी वैष्णो ढाबा का। बंसल बुक्स, यहाँ बुक्स की दुकान, और यहाँ पे होंगी सारी आपकी मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप्स। ये आपका जैकमपुरा की तरफ, यहाँ एक टैटू की शॉप भी है,
साइकिलें वाइकिलें हर चीज़ मिल जाती है आपको यहाँ पे। यहाँ जैन मंदिर है, जैन फार्मेसी भी है, यहाँ पक्षियों का धर्मार्थ चिकित्सालय है, बर्ड्स हॉस्पिटल है। नो एंट्री है, नहीं तो आपको अंदर जाके दिखाता। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की भी बहुत सी दुकानें हैं। ये वही जैकमपुरा वाली साइड जो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी, जैकमपुरा वाली साइड से एंट्री जो है। ये सामने जैन हलवाई, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। मुझे लगता है कि मैंने पूरा सदर बाज़ार आपको एक्टिवा पे घुमा ही दिया है। रात के बज रहे हैं 1:15 और वीडियो 99% पे अटकी हुई है। बहुत ही ज़्यादा खुंदक आती है जब ऐसे रेंडरिंग के टाइम 99% पे वीडियो अटक जाए। मुसीबत कभी भी आ जाती है दोस्त। तो आज के इस व्लॉग को यहीं करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए छोटों को प्यार और बड़ों को नमस्कार। ख्याल रखिएगा। ओके बाय।